हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक वीडियो में हम जो 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड पार्ट है जो गॉस थ्योरम पर बेस्ड है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज के कॉन्सेप्ट से लेकर कूलम्स लॉ और उसके सारे कंडीशन एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ये जो गॉस थ्योरम है वो फिजिक्स पर बेस्ड ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता होगा जिस पर इसे क्वेश्चन ना आए। बोर्ड एग्जाम में इसे क्वेश्चन कवर होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कवर होता है। तो आप स्टार्टिंग से इस बात को ध्यान में रखेंगे कि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गॉस थ्योरम एक्चुअल में गॉस थ्योरम को समझने से पहले हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड पार्ट। पार्ट टू सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स। देखिए, हमको चार्ज का कॉन्सेप्ट पता है। सपोज ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और सपोज हमने एक निगेटिव चार्ज इमेजिन किया। सपोज ये कोई निगेटिव चार्ज है। अब जब हम पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे तो इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअल में होते क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक इमेजिनरी लाइन है। इसको इमेजिन किया गया है। किस तरह से इमेजिन किया गया है? हम टेस्ट चार्ज के बारे में हम जानते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ, हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज इमेजिन किया, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपल करेगा और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से इस चार्ज को हम यहाँ से इसके पोजिशन को चेंज करते जाएँ तो इसमें हमको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिलेंगे। ये पाथ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का पाथ है, जिस पाथ से वह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। ये लाइन्स, ये पॉइंट्स को अपन इस तरह से कनेक्ट कर दें, ये कर्व बनेगा। ये बहुत सारे कर्व्स अपने को मिलेंगे। ये एक्चुअल में यही क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं जो कि इमेजिनरी हैं। इसको इमेजिन किया जाता है, इसको हम प्रैक्टिकली देख नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज ए इमेजिनरी पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव विच इज ट्रेवल बाई एनी टेस्ट चार्ज। मतलब जिस टेस्ट चार्ज के पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ मूव करने से जो उसका जो पाथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा, जिस पाथ से होके यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये इसका जो पाथ है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर कर्व विच इज इमेजिनरी एंड फाइंड बाई ट्रेवल यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसके बहुत से प्रॉपर्टीज हैं। इसके प्रॉपर्टीज को आप ध्यान देंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि देखो आगे चल के आप लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी पढ़ेंगे, तो मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के साथ में कंपेरेटिवली आपको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर भी डिस्कस करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, देखिए फिजिक्स में कोई भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप उसके अगेंस्ट किसी कंपेरेटिव टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छे से लर्न होता है। तो मैं यहाँ पर इस सिलेबस का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बारे में भी आपसे साथ में डिस्कस करता हूँ। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, क्योंकि दोनों में बहुत नॉमिनल डिफरेंस है, उस शार्प डिफरेंस को आपको समझना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी और यहाँ पर लिखूंगा मैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन किया कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं और निगेटिव तक जा रहे हैं।
और निगेटिव में जाके ये समाप्त हो जा रहे हैं, ये वापस निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आते हैं। दैट मीन्स ये होते हैं ओपन कर्व, ये ओपन कर्व बनाते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ओपन कर्व, बट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर, यहाँ पर देखिए सपोज ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, और यहाँ पर हम जो यूनिट नॉर्थ पोल होता है जिसको हम टेस्ट पोल बोलते हैं उसको ट्रेवल कराएंगे, तो ये इसका पाथ होगा। लेकिन ये इन साइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के इन साइड ये साउथ से नॉर्थ की ओर आता है इस तरह से। यहाँ पर देखो ये आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन इन साइड ऑफ द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ए क्लोज्ड कर्व। मैं इसको इसके साथ कंपेयर करके सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों आपको एक साथ प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ओपन कर्व एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व। इसके बाद मैं जितने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूँगा ये पूरे के प्रॉपर्टी 100% सिमिलर होंगे। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी हुई हैं, मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की जो प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करूंगा वो अंडरस्टूड है, आप समझ जाना कि वो सारे प्रॉपर्टी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के भी होते हैं। ओनली वन डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ओनली वन डिफरेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज ओपन कर एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज क्लोज कर, ओनली वन डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए यहाँ से फिगर से आप देखिए, जब यहाँ से बहुत सारे लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ से जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज के पास में इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर मोर, पास होंगे वो, यहाँ डेंस होंगे, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज़्यादा होती है दैट मीन्स वो पास होते हैं, वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर डेंस। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज एंड सेम इन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। एंड थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर रिपल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर परपेंडिकुलर। सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, ये भी पॉजिटिव है भी पॉजिटिव, जब दोनों पास आएंगे तो परपेंडिकुलर रिपल करते हैं, इनका रिपल्सन और अट्रैक्शन का जो नेचर है वो परपेंडिकुलर होता है, माने इस तरह से ये सपोज मैं मार्कर में आपको बताऊँ ऐसा, तो ये रिपल करेंगे तो सीधा परपेंडिकुलर रिपल करेंगे, अट्रैक्ट भी परपेंडिकुलर, ऐसा एंगल बना के ये अट्रैक्ट या रिपल नहीं करते, परपेंडिकुलर ही करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज ए स्ट्रेस्ड इन स्ट्रिंग। दैट मीन्स जैसे हम किसी स्ट्रिंग को, किसी धागे को, रस्सी को अपन खींचते हैं और खींचने के बाद हम छोड़ते हैं तो आप देखे होंगे कि वो धीरे 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 अंदर की ओर आता है, इलास्टिसिटी की तरह अंदर की ओर आता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की भी यही प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेच, मतलब ये क्लोज होना चाहता है, पास आना चाहता है। उसका रीजन क्या है कि ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ये निगेटिव नेचर का चार्ज है, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनका जो अट्रैक्शन है, यहाँ पर अट्रैक्शन होता है वो इस तरह से अंदर की ओर आने का कोशिश करता है, कॉम्पैक्ट होना चाहता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स टेंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब क्या हो इसका, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है और इसके इस पॉइंट पर मैं इसके इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, सपोज मैं यहाँ चाहता हूँ तो मुझे यहाँ टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन is always towards the direction of tangent. That means its direction is always tangential. जैसे कर्व में हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वही इसके इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, एंड इन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऑल्सो। फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोरिलेटेड है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रॉपर्टी पूछा जाता है, मैग्नेटिक लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वाई। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है और एक दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है। ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, ये रॉन्ग है, गलत है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये तो ही इसकी प्रॉपर्टी एंड इट्स रीजन इज वाई वाई दे आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों नहीं करते इंटरसेक्ट करने का, नहीं करने का रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है। देखिए सपोज वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हमने इमेजिन कर लिया कि सपोज वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये ऐसा हमने मान लिया। तो सपोज हम इस पॉइंट पर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट पर यदि हम इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानना चाहें, तो सपोज ये फर्स्ट लाइन है और इस लाइन के लिए मैं इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पर यह टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, ये होगा। ये सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन है, मैं इसके लिए भी यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानना चाहूँ तो इस लाइन के लिए मेरे को एक और टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। और मैथमेटिकली विच इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट ड्रा टू टेंजेंट एट एनी यूनिक पॉइंट, हम किसी यूनिक पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। दैट मीन्स यदि ये पॉइंट, यदि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन पॉइंट होगा, और उस कॉमन पॉइंट पर हमको दोनों लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए इंटेंसिटी बताने के लिए दो टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट ड्रा टू टेंजेंट एट एनी यूनिक पॉइंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यदि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो कॉमन पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रा होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये दोनों पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में मैंने क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। एंड सिक्स पॉइंट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑल्सो नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और उसकी प्रॉपर्टीज, क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सेकंड पार्ट है ये कम्प्लीटली लाइन्स ऑफ फोर्सेस और गॉस थ्योरम पर बेस्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कवर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बट स्पेशल टाइप ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो किस तरह का स्पेशल टाइप हुआ, ये सपोज हमने कोई चार्ज बॉडी इमेजिन किया, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, अब चूंकि ये चार्ज बॉडी है तो इस चार्ज बॉडी से क्या होगा, लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस तरह से बाहर निकलेंगे, ये सब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं। अब इसमें से जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आप देख रहे हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगे जो अपने सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगे। सपोज इस लाइन पर ये एंगल सपोज 90 डिग्री है, सपोज ये भी 90 डिग्री बनाता है, लेकिन सपोज ये 90 डिग्री नहीं बनाता, इन लोग नहीं बनाते। तो यहाँ पर दो तरह के हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस देख रहे हैं, इनमें से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं जो अपने सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और कुछ लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं जो अपने सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते। तो जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अपने सरफेस पर परपेंडिकुलर होते हैं, उन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस विच इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, क्लियर। मतलब जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अपने सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव फ्लक्स एंड सेकंड इज निगेटिव फ्लक्स।
तो पॉजिटिव और निगेटिव फ्लक्स किस टाइप के होते हैं, देखो जैसे टू टाइप्स के अपने पास चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अपने सरफेस से बाहर निकलते हैं, जैसे ये मैंने फिगर बनाया, ये पॉजिटिव है और निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या करते हैं, इंटर करते हैं, परपेंडिकुलर इंटर करते हैं, ये निगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। यदि हमारे पास निगेटिव चार्ज बॉडी है तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस उसके अंदर आते हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस से बताया कि पॉजिटिव में लाइन बाहर जाते हैं, निगेटिव में एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, ये कहलाएगा निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस ds, ये सपोज ये मेरा जो बोर्ड है, ये एक बोर्ड s सरफेस है, एक बड़ा सा सरफेस है। इस बोर्ड में मैंने ये एक स्मॉल सरफेस इमेजिन किया एंड इट्स एरिया इज ds। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सामने जब हम d लगाते हैं, देयर इज डिफरेंशिएट पार्ट मतलब उसका छोटा पार्ट। तो यहाँ पर एक सरफेस इमेजिन किया और इस पर हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रा किया। सपोज ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल मीन्स यहाँ पर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है। यदि हम उसको प्रैक्टिकली सोचें तो ऐसा है, वो ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है वो इस मार्कर को जन्म था बोर्ड से बाहर परपेंडिकुलर, और ये लाइन हमने लिया डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के बीच के एंगल को हमने लिया थीटा। ये इस तरह का सिचुएशन मैं यहाँ पर आपको इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो मैंने रेड मार्कर रखा है वो नॉर्मल है, और ये जो ब्लू मार्कर मैं रखा हूँ इस तरह से, ये क्या है, इसका इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। ये आप थ्री डायमेंशन फिगर है, थोड़ा आप इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये जो रेड मार्कर है वो ये नॉर्मल है जो बोर्ड से बाहर की ओर आपको दिख रहा है, और ये जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो ये ब्लू मार्कर है, और यहाँ पर मैंने थीटा जो मेंशन किया है ये दोनों के बीच के एंगल है, ये एंगल नहीं है। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चीज़ आप नहीं समझेंगे तो गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आपको इस सिचुएशन को अपने ब्रेन में कंप्लीट फीडअप करके रखना है कि ये क्या होता है, थीटा एंगल होता है, दैट मीन्स थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, इनके बीच के एंगल क्या होता है, थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको आगे मुझे यूज़ होगा, मैं अभी से आपको इसको बता दूँ कि ये इस सिचुएशन को मैंने सपोज ऐसा कर दिया, ये एक स्पेशल कंडीशन है, ऐसा कर दिया, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज पैरेलल विथ सरफेस देन परपेंडिकुलर विथ नॉर्मल। इस कंडीशन में थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब इंटेंसिटी का डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल होगा तो आप ध्यान रखेंगे थीटा 90 डिग्री होगा, और मैंने इंटेंसिटी को ऐसा कर दिया, मतलब इंटेंसिटी यदि सरफेस पर परपेंडिकुलर हो तो वह नॉर्मल के पैरेलल होगा। इस तरह से हम ई के बेस पर थीटा के टू वैल्यूज फाइंड कर देंगे, किस केस में 90 डिग्री होगा, किस केस में 0 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है, इसका फ्लक्स को निकालने का फार्मूला होता है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई और नीचे में छोटा सा लिखते हैं ई, फाई ई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई निकालने का फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला। यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है आ रहा होगा कि सर यहाँ पर कॉस थीटा ही क्यों हुआ, साइन थीटा, टेन थीटा और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों नहीं हुए। तो इसका रीजन ये है कि जब यहाँ से हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं, किसके, ई के, यहाँ ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ कॉस थीटा ही क्यों आया, वाई कॉस थीटा यूज। तो जब मैं इंटेंसिटी का यहाँ पर कंपोनेंट्स फाइंड करूँगा, साइन थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट फाइंड करूँगा, तो एक कंपोनेंट ये निकलेगा इस तरह से और एक कंपोनेंट इस तरह से निकलेगा बाहर ई के। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल है, तो पास का जो कंपोनेंट होता है, पास का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, पास कास होता है, दैट मीन्स ये दूर का है तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा, ये कंपोनेंट ई साइन थीटा होगा, और एक कंपोनेंट जो ऐसा निकलेगा फिगर में आप देखिए, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा, तो बाहर जो कंपोनेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमने फ्लक्स के डेफिनेशन में क्या बताया है,
कि नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो ये जो ई साइन थीटा फ्लक्स है वो तो सरफेस के क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, लेकिन जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है सरफेस पर, क्योंकि इसके टू कंपोनेंट्स होंगे ई साइन थीटा एंड ई कॉस थीटा, और हम फ्लक्स में परपेंडिकुलर लाइन्स ऑफ फोर्सेस को लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके कॉस कंपोनेंट को लिया गया है, ये बात ध्यान में रखेंगे, और साइन थीटा इसका पैरेलल कंपोनेंट हो गया सरफेस के, इसलिए हमने क्या किया इसको नहीं लिया। तो ये होता है फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि मैं बार बार आपको जब क्लास स्टार्ट किया उसके पहले ही मैं बता दिया कि गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा जो बेसिक फंडामेंटल है ये आपको गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन समझने में हेल्प करेगा। क्लियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल आपने 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा, क्योंकि सॉलिड एंगल मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर उसको गॉस थ्योरम में यूज करेंगे, इसलिए हम उसको यहाँ पर पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल, एंगल आप सबको पता है, एंगल मतलब क्या होता है, टू लाइंस के बीच का इंक्लिनेशन, यहाँ पर सॉलिड एंगल। एक्चुअल में ये टॉपिक आप जब 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आप पढ़ते हैं सॉलिड एंगल, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए ये हमारे पास सपोज एक थ्री डायमेंशन बॉडी, सपोज एक स्फेयर है, ये समझने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कभी बाजार में तरबूज खरीदने गए होंगे, तो जब तरबूज खरीदने से पहले आप तरबूज वाले से पूछते हैं कि भाई तरबूज कैसा है, तो वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा कटिंग करके निकालता है, तो जो तो छोटा सा टुकड़ा आप इमेजिन करिए, जो टुकड़ा निकलता है उसके कॉर्नर में जो एंगल बनता है, आप उसको इमेजिन करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सपोज एस एक बड़ा सरफेस है और हमने इसमें एक इस तरह से स्मॉल सरफेस ये यहाँ से निकाला, इस तरीके से एक स्मॉल सरफेस है, ये सपोज स्मॉल सरफेस ये डी एस है, और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसी जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये एक्चुअल में थ्री डायमेंशन है, एक तीसरा लाइन भी होगा, यहाँ पर ये एंगल डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी एंगल को बोलते हैं अपन सॉलिड एंगल। देखिए इसको एक मैं मैग्नीफाइंग फिगर आपको यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, इसका इस तरह से देखिए इतने पोर्शन को वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा ऐसा ये सरफेस है, जो इमेजिन करो तरबूज के बाहर का सरफेस छोटा टुकड़ा डी एस, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल है डी ओमेगा। सपोज इसके सेंटर से इस सरफेस का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है डी ओमेगा फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा क्या है देखिए, ये तो कंप्लीट लाइन में इसको रेडियस का लाइन ये है, और यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, सपोज इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, इनके बीच का एंगल होता है थीटा इस तरह से, तो यहाँ जो थीटा यूज़ किया गया है वो ये वाला एंगल है, तो डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके सॉलिड एंगल निकालने का फार्मूला है फॉर स्मॉल सरफेस डी एस। लेकिन सपोज अपने को इस पूरे सरफेस पे निकालना है, मतलब इसके सेंटर पर जो टोटल एंगल बनेगा उसको निकालना है, तो टोटल सॉलिड एंगल जो होता है, टोटल सॉलिड एंगल को हम ओमेगा रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इंटीग्रेशन मीन्स सम, ये जो छोटे छोटे स्मॉल सरफेस से मिलकर हमारा पूरा सरफेस बना हुआ है, तो छोटे छोटे जो स्मॉल सरफेस हैं ये सारे स्मॉल सरफेस को यदि हम ऐड कर दें तो ये हमको टोटल सरफेस मिल जाएगा, और टोटल सरफेस अपने सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इस वैल्यू का जब टोटल इंटीग्रेशन किया जाता है, यह एक मैथमेटिकल टूल है, यहाँ पर थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है मैथमेटिक्स का, इसको हम पूरा डिराइव नहीं कर रहे हैं, एक टूल की तरह आपको दे रहे हैं, तो फिजिक्स में कैसे यूज करना है, तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का जो टोटल वैल्यू होता है 4π, और यूनिट होता है इसका स्टेरेडियन, यूनिट इज स्टेरेडियन, ओमेगा इक्वल टू होता है 4π। ये दो फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, डी ओमेगा फॉर स्मॉल सरफेस, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड ओमेगा फॉर टोटल सरफेस इज 4π। इसको हम अभी यूज करेंगे गॉस थ्योरम
और उसके एप्लीकेशन में। इस तरह से ये सॉलिड एंगल है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से सॉलिड एंगल होता है। क्लियर? तो डी ओमेगा और ओमेगा ये सॉलिड एंगल का फार्मूला है। गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, देखो गॉस नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरम दिया, इसको हम गॉस थ्योरम कहते हैं। और ये जो गॉस थ्योरम है वह किसी क्लोज सरफेस के लिए होता है। इसके लिए स्पेशल केस है कि गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज सरफेस क्या होता है, देखो क्लोज सरफेस जैसे मैंने आपको तरबूज के एग्जांपल बताया, क्लोज है, चारों तरफ से बंद है वो। यहां पर हम इमेजिन करते हैं एक क्लोज सरफेस, ये सपोज एक क्लोज सरफेस है, ये कैसा भी हो सकता है, बस इसको क्लोज होना चाहिए। इसका टोटल सरफेस एरिया सपोज एस है और इसमें प्लस क्यू चार्ज किसी पॉइंट पर, यह कोई पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स आप फोर्सेस इस तरह से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्मॉल सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, ये स्मॉल सरफेस है सपोज डी एस, ये हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। क्लियर? तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स दैट इज फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसको हम इन वर्ड क्या कहेंगे, ये कंडीशन हमको बोलना जरूरी है, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस में जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स होगा वह उसमें जितना चार्ज प्रेजेंट होगा, उस चार्ज बॉडी में जितना चार्ज होगा उसका वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये कहलाता है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। आप इनवर्ड इसको स्टेटमेंट को एग्जाम में इस तरह से सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ये फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इस फिगर के हेल्प से आप उसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो सिचुएशन बनाया, एस एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पर डी एस एक स्मॉल सरफेस है, ये हमने एक स्मॉल सरफेस इमेजिन किया। यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है ये सपोज डी ओमेगा है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। अब इस पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया। सपोज ये यहाँ पर नॉर्मल है और इंटेंसिटी और नॉर्मल के बीच के एंगल सपोज क्या है, थीटा है, जैसा कि मैंने अभी सॉलिड एंगल पढ़ते समय आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, इसके फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल सरफेस के लिए काउंट करेंगे और स्मॉल सरफेस में काउंट करने के बाद उसको जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करना मतलब सम करना होता है, तो हमको पूरे सरफेस के लिए फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू सरफेस ds, ये ds सरफेस के लिए, ये जो स्मॉल सरफेस ds है उसके लिए हम नंबर ऑफ फ्लक्स काउंट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट पार्ट है तो इसको लिखेंगे हम d phi e, टोटल फ्लक्स phi e होता है और d phi e मतलब किसके लिए हो गया, वो स्मॉल सरफेस के लिए हो गया। तो d phi e इक्वल टू हो जाएगा e ds cos थीटा। ये हमने अभी फ्लक्स निकालने का फार्मूला आपको समझाया कि नंबर ऑफ फ्लक्स इक्वल टू होता है e ds cos थीटा। क्लियर? अब देखिए दैट इंप्लाइज डी फाई ई इक्वल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सपोज ओ से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, उसका फार्मूला होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई का वैल्यू हो गया, और इनटू डी एस कॉस थीटा। ये हमने क्या किया, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है उसको यहाँ पर पुट अप कर दिया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो निकाला गया है वो नंबर ऑफ फ्लक्स ड्यू टू सरफेस डी एस है। देयरफॉर टोटल फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एस, सरफेस के लिए यदि
पूरे टोटल सरफेस के लिए यदि हम नंबर ऑफ फ्लक्स निकालना चाहें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सपोज फाई ई, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, क्योंकि ये क्या है स्मॉल सरफेस के लिए है, ये डी एस सरफेस के लिए है, और डी एस सरफेस को हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस का सम निकल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ फिगर में आप देखिए अभी जो हमने यहाँ पर फ्लक्स काउंट किया है वो ओनली इस सरफेस के लिए है, लेकिन हमको पूरे सरफेस के लिए यदि फ्लक्स चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी फाई ई एंड वी फाइंड फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा दैट इक्वल, यहाँ पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी कौन कौन सा देखिए, ये इतना अपने पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर? तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम बाहर कर दें, फाई का वैल्यू पुट अप करने के बाद कांस्टेंट क्वांटिटी की हम बाहर कर दें तो यहाँ पर हमको क्वांटिटी क्या मिल जाएगा, ये बाहर कर लिया अपन क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको जो फार्मूला बताया देखिए क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर? तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये क्या होता है, ये सॉलिड एंगल होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर सॉलिड एंगल होता है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा मैंने बताया कितना 4 पाई, ये 4 पाई हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 पाई के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा अपने को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई का वैल्यू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाता है प्रूफ हमारा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या हुआ, एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस में टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो होता है वो उसमें जितना चार्ज होता है उसका 1/εr टाइम्स होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस इज 1/εr टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। क्लियर? दिस इज गॉस थ्योरम। अब अपन पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम के 3-4 करीब एप्लीकेशन है और सभी एप्लीकेशन का जो वर्किंग स्टेप है नियर अबाउट एक जैसा है, मैं कुछ एप्लीकेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन पढ़ने से पहले उसके कुछ वर्किंग स्टेप पर डिस्कस करते हैं। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है क्या, एक्चुअल में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है, गॉस थ्योरम को हम पढ़ने से पहले ये देखें कि एप्लीकेशन पढ़ने से पहले कि गॉस थ्योरम किस काम आता है, इसका क्या काम है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या काम आता है अभी हमने देखा है कि गॉस थ्योरम का फार्मूला है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। तो गॉस थ्योरम के हेल्प से हम फाइंड करते हैं एक्चुअली इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फार्मूला को यदि मैं आगे और सिंप्लीफाई कर दूं तो E इक्वल टू क्या मिल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा। तो यदि हमारे पास चार्ज हमको पता हो और थीटा का वैल्यू पता हो और डी एस का वैल्यू पता हो तो हम इस फार्मूला के हेल्प से किसी चार्ज बॉडी के कारण, किसी चार्ज बॉडी के कारण उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कहलाता है इसका एप्लीकेशन। और हम इसको करेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको कुछ वर्किंग स्टेप्स बताता हूं। वर्किंग स्टेप्स, वर्किंग स्टेप का मतलब क्या है, हम किस किस स्टेप से इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज। देखिए मैंने यहां पर बताया कि यहां पर चार्ज यूज हो रहा है तो सबसे पहले हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला Q इक्वल टू होता है
चार्ज डेंसिटी, दैट मींस उस बॉडी पर जो चार्ज डेंसिटी है, और इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज अपने पास वन डायमेंशन बॉडी है, सपोज अपने पास एक स्ट्रेट वायर है, तो ओनली स्ट्रेट वायर का क्या होगा, लेंथ होगा, तो लेंथ मल्टीप्लाई होगा। और यदि हमारे पास टू डायमेंशन बॉडी है, सपोज अपने पास एक प्लेन सीट है, तो उसके लिए इंटेंसिटी निकालना होगा, तो वहां पर एरिया मल्टीप्लाई होगा। और सपोज अपने पास थ्री डायमेंशन बॉडी है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पुट करेंगे। इफ अवर चार्ज बॉडी इज वन डायमेंशन देन लेंथ, इफ अवर चार्ज बॉडी इज टू डायमेंशन देन एरिया यूज, एंड इफ अवर चार्ज बॉडी इज थ्री डायमेंशन देन वॉल्यूम विल बी यूज। ये होता है, सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे, चार्ज निकालने के बाद दूसरे नंबर में अपन निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स निकालेंगे फाइ ई, जितने टोटल सरफेस होगा वो टोटल हम नंबर ऑफ फ्लक्स निकालेंगे। अब अपने फार्मूला को देखिए, यहां पर मैंने लिखा है ये फ्लक्स है, ये ds cos थीटा, ये फ्लक्स है, तो यहां पर हम इसके वैल्यू को पुट अप कर देंगे, या यहां पर आप देखिए कि चार्ज का वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे और नंबर ऑफ फ्लक्स का वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे। दोनों वैल्यू पुट अप करने के बाद ये जो ई होगा उसको लेफ्ट साइड में सेपरेट करके बाकी वैल्यूज को राइट साइड में सेपरेट कर देंगे। और थर्ड नंबर में फिर हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे फाई ई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर मैंने बताया आपको कि फाई ई का वैल्यू और क्यू का वैल्यू पुट अप करने के बाद यहां से हम ई कैलकुलेट कर लेंगे। ये वर्किंग स्टेप है। वर्किंग स्टेप आपसे एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस ये है कि जब हम किसी फार्मूला को यूज करते हैं, उस पर बेस्ड कोई फार्मूला डिराइव करते हैं, तो आपके पास एक की पॉइंट होना चाहिए कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा। इस तरह से यदि आप अपने दिमाग में वर्किंग स्टेप आप क्लियर करके रखेंगे, आपके पास एक प्रॉपर स्टेप होगा कि किसके बाद मुझे क्या करना है, तो आप कभी डेरिवेशन भूलेंगे नहीं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और सारे एप्लीकेशन को हम इसी स्टेप पर करेंगे। सबसे पहले उसका चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, चार्ज कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद हम गॉस थ्योरम उसको अप्लाई कर देंगे। तो अब हम वन बाय वन इसके एक एक करके एप्लीकेशन की स्टडी करते हैं। ये मैंने बताया उसका आउटलाइन कि किस तरह से हम वर्क करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन इज स्ट्रेट लाइन वायर। स्ट्रेट लाइन वायर, चार्ज वायर कह सकते हैं क्योंकि उसमें चार्ज है। स्ट्रेट चार्ज वायर दैट मींस हमारे पास जो चार्ज बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन है। ये फिगर से आप समझेंगे, देखिए ये एक चार्ज बॉडी है, सपोज इसका हमने नाम ने दिया L, सपोज L इज ए स्ट्रेट चार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसका लेंथ डिफाइन नहीं है इसलिए हमने इसको इनफाइनाइट लेंथ सपोज कर लिया। और इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज, जो इसमें चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, और सपोज वो पॉजिटिव चार्ज है Q, और इस पर चार्ज डेंसिटी हमने सपोज लेमडा सपोज कर दिया, लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी। अब देखिए इसके लिए जब हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो हमको एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि गॉस थ्योरम जो होता है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। सपोज ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने यहाँ कंसिडर किया पी, और इस पॉइंट पी पर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट को हमको एक क्लोज सरफेस में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर लेंगे। ये क्लोज सरफेस अपन यहां पर कंसीडर कर लिया। ये क्लोज सरफेस हमारा एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, और इस क्लोज सरफेस का सिलेंड्रिकल सरफेस का लेंथ एल लिया, और रेडियस को ले लिया स्मॉल आर, और ये वो पॉइंट है जहां हमको इंटेंसिटी चाहिए। ये है सपोज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्लियर। इसको मैं इस तरह से आपको बता सकता हूं, देखिए ये हमारा एक सिलेंडर है, और इस ये सिलेंडर, ये आप सिलेंडर इमेजिन करिए, इसके बीच से एक वायर, इस तरह से वायर ये गया हुआ है एल,
और ये जो इंटेंसिटी है वो इस तरह से है। ये जो पेंसिल मैंने यहाँ पर लगाया, ये पेंसिल को आप समझिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। अब इसके लिए हमको वन बाई वन क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं, वर्किंग स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल चार्ज, इसका कैलकुलेशन चार्ज, चार्ज q इक्वल टू क्या फार्मूला बताया मैं, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। चार्ज डेंसिटी हमने लेमडा यहाँ पर कंसीडर किया है, तो जाएगा लेमडा और लेंथ, इस इनफाइनाइट लेंथ का हम जितना लेंथ यहाँ यूज कर रहे हैं वो क्या है, l है, तो जाएगा लेमडा इंटू l। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने निकाल लिया चार्ज। अब यहाँ पर देखो, ये सिलेंडर हमने कंसिडर किया है, वहाँ पर थ्री सरफेसेस हैं। एक सरफेस है ये, एक सरफेस एस देख रहे हैं, इस सरफेस को हमने नाम दिया सरफेस एस वन जो कि प्लेन सरफेस है। और यहाँ देखिए नीचे इस तरह से एक सरफेस ये है, इस सरफेस को हमने नाम दिया एस टू, और ये एक सरफेस आप देख रहे हैं जो कि कर्व सरफेस है, ये सरफेस है एस थ्री। सिलेंडर में भी हम इसको आपको बताएं, तो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर हैविंग थ्री सरफेसेस, फर्स्ट प्लेन सरफेस, अपर सरफेस इज प्लेन एंड लोअर सरफेस इज प्लेन एंड थर्ड सरफेस एस थ्री इज कर्व्ड सरफेस। तो सिलेंडर में थ्री सरफेसेस होते हैं, और हम क्या करेंगे, ये तीनों सरफेस के लिए वन बाई वन नंबर ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एस वन। एस वन सरफेस के लिए तो उसको हमने कह दिया डी फाई ई वन या ओनली फाई ई वन। फाई ई वन इक्वल टू आएगा ई इंटू एस वन इंटू कॉस। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थीटा का वैल्यू, अभी हमने बताया था फ्लक्स का फार्मूला ई डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू अपन पुट अप करेंगे। तो देखिए यहाँ सिचुएशन किस तरह का है, ये सिलेंडर है और ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, ये सिलेंडर है, ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। तो ये जो सरफेस अपर सरफेस है उसके ये पेंसिल को आप देखिए पैरेलल है, ये अपर सरफेस है, ये पेंसिल दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और मैंने बताया था अभी आपको कि जब इंटेंसिटी का डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल हो तो थीटा 90 डिग्री होता है, सरफेस के पैरेलल नॉट नॉर्मल। तो यहाँ पर हम इस बात को बता सकते हैं कि ये जो सरफेस है उसके ये पैरेलल है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई एस वन कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स एस वन सरफेस से जो नंबर ऑफ फ्लक्स होगा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एस टू सरफेस के लिए फाई ई टू निकालें, तो ये एस टू सरफेस है और यह एस टू सरफेस भी क्या है, इसके पैरेलल है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ड्यू टू एस थ्री सरफेस, देयरफॉर ड्यू टू एस थ्री सरफेस, एस थ्री सरफेस के लिए हमने नंबर ऑफ फ्लक्स को फाई ई थ्री कर लिया, तो फाई ई थ्री इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू एस थ्री इंटू कॉस। अब यहाँ पर आप एंगल देखिए, ये जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है और ये क्या है, एस थ्री सरफेस है, इसके बीच 90 डिग्री है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर विथ सरफेस देन पैरेलल विथ नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कॉस का जीरो वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इक्वल टू ई इंटू एस थ्री, ये जो S3 का वैल्यू है, S3 इज द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है, और सिलेंडर कर्व सरफेस कितना होता है, 2πRL, 2πRL इज द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड cos 0 इज 1। दैट इंप्लाइज इसको हम सॉल्व करते हैं, तो phi E3 इक्वल टू मिल जाएगा E into 2πRL। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम, देयरफॉर बाय गॉसेस थ्योरम, मैंने आपको वर्किंग स्टेप में थर्ड पॉइंट बताया था कि हम इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज फाई ई, मतलब ये टोटल फाई ई है क्योंकि दो फ्लक्स तो ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं, फाई ई वन इज जीरो एंड फाई ई इज जीरो, देन टोटल फ्लक्स इज जीरो प्लस जीरो प्लस दिस, दैट मीन्स ई इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू क्यू, और क्यू का भी वैल्यू अपन पुट अप कर देंगे। देखिए हम क्यू निकाल के रखे हैं, क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट
दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये एल एल के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू बाकी क्वांटिटी यहाँ ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा लेमडा अपॉन टू पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट चार्ज वायर। स्टेट चार्ज वायर में यदि हम चार्ज देते हैं तो अपने सराउंडिंग में अपने से आर डिस्टेंस पर वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। लेमडा इज चार्ज डेंसिटी, टू पाई इज कांस्टेंट, आर इज डिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एंड एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्लियर, ये हो जाता है एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ड्यू टू स्टेट चार्ज बॉडी। नेक्स्ट इज प्लेन शीट। अब इसका सेकंड एप्लीकेशन है प्लेन शीट। प्लेन शीट के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लेन शीट के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेशन होता है, बहुत शॉर्ट में कैलकुलेशन है उसका। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड एप्लीकेशन इज प्लेन चार्ज्ड सीट। सीट मीन्स टू डायमेंशन बॉडी। इस तरह से देखिए, सपोज अपने पास ऐसा एक चार्ज सीट है और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और हम इसकी चार्ज डेंसिटी को सपोज सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं। ये इस तरह का सिचुएशन बनेगा। देखिए आपको, चूंकि थ्री डायमेंशन फिगर है तो आपको मैं इस तरह से आपको एक छोटा सा डेमो बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो सीट मैंने बनाया है वो एक्चुअल में सीट ऐसा है, ये ऐसा एक सीट है और इसमें जो हम सिलेंडर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें हम सिलेंडर इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये ऐसा सिलेंडर को हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन करेंगे और सिलेंडर इसके पार इस साइड के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आया हुआ है, ये अंदर से आया है, ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर का सपोज एस वन सरफेस है, ये एस टू सरफेस है और इसका कर्व सरफेस एस थ्री है और इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ई। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, ये सीट है, इस तरह से प्लेन सीट है और सिलेंडर का जो रेडिंग से मैंने यहाँ पर जो सिलेंडर कंस्ट्रक्शन किया है वो एक्चुअल में ऐसा है, इस तरह का सिचुएशन है। आप देखिए ये सिलेंडर इसके आर पार है। क्लियर, ये सिलेंडर और इंटेंसिटी जहाँ हमको चाहिए वो इंटेंसिटी, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो ये पेंसिल है, ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। तो थ्री डायमेंशन फिगर आप उसको इमेजिन करिए, ये पेपर को जो मैंने लिया है प्लेन सीट है और ये कंस्ट्रक्शन किया है सिलेंडर वो है और ये है इंटेंसिटी का डायरेक्शन। इसके बाद कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, एक्चुअल में इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर पाते हैं कि नहीं। यदि आपको सिचुएशन को आपने प्रॉपर इमेजिन कर लिया तो आपको इसका कैलकुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने वर्किंग स्टेप में बताया था, फर्स्ट आप यहाँ पर शॉर्टकट में इसको बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप चार्ज कैलकुलेट करोगे, तो चार्ज कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये सीट टू डायमेंशन बॉडी है और इसका यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हमने सपोज ए लिया हुआ है तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ये हो जाएगा चार्ज। अब हम एस वन सरफेस से यदि हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फाई ई वन इक्वल टू ई एस वन और कास। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एस वन सरफेस है और इस एस वन सरफेस के ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो। थीटा जीरो हो जाएगा तो कास जीरो दैट इक्वल टू ई और हमने सरफेस एरिया को लिया है ए, कास जीरो इज वन तो हो जाएगा ई इंटू ए। सिमिलरली ड्यू टू एस टू सरफेस फाई ई टू इज आल्सो ई ए एंड ड्यू टू एस थ्री सरफेस फाई ई थ्री इक्वल टू हो जाएगा ई एस थ्री, यहाँ पर कास 90 डिग्री होगा और ये जीरो हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, इससे पहले मैंने जो एप्लीकेशन बताया वहाँ पर सिलेंडर वर्टिकल था तो उसके लिए जहाँ जहाँ 90 डिग्री था यहाँ जीरो हो गया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और जो जीरो था वो 90 हो गया, ऐसा आप याद रख सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा तीनों का सम, तो तीनों का सम ये जीरो है और ये दोनों ई ए, ई ए है तो हो जाएगा टू ई ए। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज फाई का वैल्यू यहां से पुट अप कर देंगे, ये हो जाएगा 2 ई इक्वल चार्ज का वैल्यू यहां से पुट अप कर देंगे सिग्मा इनटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इसका इंटेंसिटी। क्लियर? तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन चार्ज शीट, सेकंड इज प्लेन चार्ज शीट, और थर्ड एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज बॉडी। स्फेरिकल चार्ज बॉडी मींस अब हमारा जो चार्ज बॉडी है वो स्फेरिकल है, थ्री डायमेंशन है। सबसे पहले मैंने वन डायमेंशन बताया, फिर टू डायमेंशन बताया, अब बता रहा हूं थ्री डायमेंशन स्फेरिकल चार्ज बॉडी। देखिए यहां पर हम कंसीडर करते हैं ये एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी। सपोज इसका रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फेरिकल चार्ज बॉडी के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसके पास थ्री सरफेस नहीं है। इस स्फेरिकल बॉडी हैविंग ओनली वन सरफेस, इसके पास का एक सरफेस होता है, दैट इज स्फेरिकल सरफेस, जबकि सिलेंडर के पास थ्री सरफेस थे। तो यहाँ पर हमको कुछ कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर बस एक इस तरह से एक और स्फेयर कंसिडर कर लेते हैं। सपोज इसका रेडियस स्मॉल आर है और ये है पॉइंट पी, यहाँ पर सपोज इंटेंसिटी फाइंड करना है अपने को ई इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको थ्री सरफेस नहीं है तो अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर निकालेंगे, डायरेक्ट हम चार्ज भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन निकालेंगे नंबर ऑफ फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स फाई ई इक्वल हो जाएगा ई डी एस और कास, कास 90 डिग्री है, सॉरी कास 0 डिग्री होगा क्योंकि इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वह सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो थीटा 0 होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो कास 0 हो जाएगा, दैट इक्वल ई इंटू डी एस, फाई इक्वल टू इंटू डी एस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इंटेंसिटी का फार्मूला हम यहाँ पर डी एस सरफेस है तो सी सरफेस के यहाँ पर फार्मूला पुट अप कर सकते हैं, कैसे? ये स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? 4 पाई स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया। अब ये फ्लक्स है, इसको डायरेक्ट क्या करो गॉस थ्योरम में पुट अप कर दो। नाउ बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इज फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज फाई का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ट्रांसफर हो जाएगा और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमेशा यही होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया स्फेरिकल चार्ज बॉडी के लिए इंटेंसिटी का कैलकुलेशन। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान देंगे। स्पेशल केस इज डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, कूलम्स लॉ, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स के रूल को हमको गॉस थ्योरम के हेल्प से प्रूफ करना है। सपोज आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूफ कूलम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे बनाएंगे? तब आप क्या करेंगे, टोटल डेरिवेशन यहां तक ऐसा ही करेंगे, इसके बाद एक नया काम करेंगे कि इस पी पॉइंट पर एक क्यू नॉट चार्ज कंसिडर कर लेंगे। आप यहां कंसिडर कर लेंगे
नाउ लेट अस कंसीडर एट पॉइंट पी ए क्यू नॉट चार्ज इज केप्ट, यहां क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो देयरफॉर सीधा आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इंटेंसिटी, चार्ज इंटू इंटेंसिटी, दैट इंप्लाइज एफ इक्वल क्यू नॉट इंटेंसिटी, यहां कैलकुलेट करके रखे हैं, इसको यहां पर पुट अप कर देंगे, यह हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नाउ एफ इज रिटन एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये क्यू नॉट ना, क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ प्रूफ हो गया। तो कभी आपको एग्जाम में यदि सिर्फ इसका एप्लीकेशन पूछता है तो ये फाइनल इक्वेशन है, लेकिन सपोज क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, बोल दिया कि प्रूफ आर डिराइव कूलम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो ये दो लाइन आपको और लिखना होगा, आप यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज कंसिडर कर लेंगे और इसको कंसिडर करने के बाद ये फोर्स निकालेंगे। इस तरह से आपने देखा कि आज के इस टॉपिक में मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट किया, फिर मैंने आपको फ्लक्स बताया, सॉलिड एंगल बताया, और इसके बाद गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और गॉस थ्योरम तो एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब आपको मेरा एक सजेशन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, बहुत ध्यान से समझने के बाद, अपने टेस्ट बुक से भी इसको पढ़िए, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज वगैरह पे जो क्वेश्चन है।